अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। भैया ओटीपी है 6172। चलिए। ये बदबू क्या आ रही है? डिड आई स्टेप ऑन शिट? मेरी सॉक्स से स्मेल आ रही है क्या? यार मैंने तो सॉक्स पहने ही नहीं। ओह नो, ड्राइवर भैया के सॉक्स। उनको बोलूं क्या? साला बारिश, सॉक्स और एसी से गाड़ी में गैस चेंबर बन गया है। ऐसा लग रहा है आई एम स्टक इन समवंस आर्मपिट। ओह छोड़, किसी और चीज के बारे में सोच पा रखता। गर्मी लग रही है यार। भैया एसी बढ़ा देंगे प्लीज? थैंक यू। शिट, ठंड लग रही है। भैया ओए, एसी थोड़ा कम कर दीजिए ना प्लीज। ये दूर वाला रास्ता तो नहीं ले रहा? मैप्स पे चेक करते हैं। सही है यार, ये रास्ता नया सा लग रहा है। शिट, इसने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया ना? चिल्लाऊं क्या? ये गोल गोल घुमा के फिर तो मेरे को किडनैप नहीं कर रहा ना? मैप्स पे देखती हूँ। सही है, स्टॉप फ्रीकिंग आउट प्राजक्ता, बोर हो रहा है यार। भैया रेडियो चला देंगे प्लीज? यार मेरा तो दिन ही खराब चल रहा है। इट्स नॉट बैड एक्चुअली। चला बहुत हो गया। क्या बकवास गाने हैं यार मेरे प्लेलिस्ट में। मस्त बारिश का मौसम है, कुछ लाइट सुनते हैं। हट बकवास गाना। नै बोरिंग। शह मुंबई ट्रैफिक सक्स यार, जान ही नहीं बचती है ट्रैफिक में अटकने के बाद। क्या लाइफ जिएंगे। वाह क्या बात है उस्ताद प्राजक्ता। ट्वीट करती हूँ। सब सारे गवर्नमेंट वाले ना करप्ट होते हैं। अभी बनाया था ये रास्ता, कॉन्ट्रैक्टर ने पक्का पैसे खाए होंगे। एसएल वर्ल्ड जाने की क्या जरूरत है, सारे रोलर कोस्टर्स तो कैब में बैठे बैठे ही मिल जाते हैं। कहाँ हूँ मैं? सोया तो नहीं ना? नहीं नहीं शायद आंखें ही ऐसी हैं। हाँ बाबा। जोर से बोलना। हाँ हाँ मैं निकल गई हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन भेजा है। अरे वही फीचर जिससे आपको दिख जाएगा कि मैं किधर हूँ, तो कोई मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है। हाँ मतलब मैं कहीं भी जाऊंगी ना तो आप मेरे को उधर ढूंढ लोगे, फिर आप पुलिस को जाके बता सकते हो वैसा। हाँ ओके बाय। हाँ लाइव लोकेशन चेक करना। हाँ बाय बाबा। गुड जॉब प्राजक्ता, अब फोन रख दे। वैसे सीधा साधा अच्छे घर का लग रहा है यार, फालतू में शक किया। कितना रैश चला रहा है यार। Guess who's getting two stars? भैया थोड़ा धीरे चलाइए ना प्लीज। भगवान जी प्लीज घर पे पहुंचा देना वन पीस में प्लीज। अबे रोड रैश की औलाद। रम 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 आई एम प्रेटी श्योर मैं अगर गाड़ी से निकल के कॉफ़ी पी के वापस पैदल आके भी बैठी ना इसके कैब में, तो भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी तरक्की भी इस कैब से तेज़ हो रही है यार, कितना स्लो चला रहा है। गेस हू इज़ गेटिंग टू स्टार्स। फाइनली पहुंचा दिया। ट्रिप एंड कर दूं और नहीं तो क्या, सारी दुनिया घुमा के लेके आया है। मैडम ट्रिप एंड करूं क्या? हाँ कर दीजिए। जो रास्ता एक घंटे में आराम से कट हो सकता था, उसमें 3.5 घंटे लगा दिए। इनकी लाइफ की तरह वेले बैठे हैं क्या? हमको कोई काम नहीं है अभी आके घर पे जाके? उतरो ना जल्दी, अगला भाड़ा है। Alright you guys, so this was thoughts you have in a कैब। टेल मी ये कितना ज्यादा रिलेटेबल है, बिकॉज आप मुंबई में अगर या किसी भी मेट्रो सिटी में अगर रहते हो मेरे ख्याल से, तो ट्रैवल करते वक्त सबसे ज्यादा टाइम आजकल एटलीस्ट मेरा तो गाड़ी के अंदर ही कटता है। एंड आई हैव टू मेनी थॉट्स, सो इट्स जस्ट स्टूपिड इफ आई डोंट मेक अ वीडियो लाइक दिस। टेल मी व्हाट वाज मोस्ट रिलेटेबल फॉर यू, पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेल मी किस टाइप के वीडियोज आपको देखने हैं चैनल पे। आप नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर है। I will see you guys again on Saturday. Until we meet, love, love. Also, there's like, so this is my car. It's not a real cab and we are filming with a team. So there's Saurav. And there's Venu. And Pranay is outside.
He was the driver. Okay, bye. लेके जा रहा है मेरे को, चिल्लाओ क्या भैया? अरे सॉरी, बोर हो रहा है। उसको पक्का बोर नहीं हो रहा है तो भी इसको पता नहीं चलेगा। Did we get that?